Good morning students, welcome to our class again. Today we are going to start our new topic of English reader. It is a poem, vocation. And it is very lovely poem, I hope you will like it. But before starting this beautiful poem, here are some hard words on the board. So you are to speak after me, okay? Gongsa. Rabindranath Tagore was born in 1861 and he was died in 1941. He was an Indian short story writer, song composer, playwright, essayist and painter. वो short stories लिखते थे, songs compose करते थे, playwright थे और painter भी थे. In 1913, he became the first non-European to win the Nobel Prize for Literature. और 1913 में उन्हें Nobel Prize मिला था उनके literature के लिए. In this poem, Tagore describes a child's longing for the freedom he sees in the life of the people he sees. इस poem में poet एक छोटे बच्चे की longing को show करते हैं, उसकी इच्छाओं को show करते हैं. वो छोटा बच्चा जिस भी पर्सन को देखता है उसे उसकी लाइफ में ज्यादा फ्रीडम नजर आता है और वो उसके जैसे ही लाइफ को जीना चाहता है. He wants to be a hawker when he sees a hawker crying bangles, crystal bangles. वो एक हॉकर बन जाना चाहता है जब वो एक हॉकर को क्रिस्टल बैंगल बेचते हुए देखता है. On his way back from school, he sees a gardener. स्कूल से घर वापस आते टाइम वो एक गार्डनर को देखता है एंड विशेस दैट ही वाज़ अ गार्डनर. और क्या विश करता है कि काश मैं भी एक गार्डनर होता. एट नाइट ही वांट्स टू बी अ वॉचमैन. और रात को क्या बन जाना चाहता है, एक वॉचमैन बन जाना चाहता है. व्हेन ही सीज वन थ्रू हिज विंडो, जब वो एक वॉचमैन को अपने विंडो से देखता है. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल पोम. This poem is about a little boy. ये एक छोटे बच्चे की कहानी है. वो जिस भी ह्यूमन बींग को देखता है उसकी लाइफ उसे अपने से बेटर लगती है और वो वैसे ही लाइफ जीना चाहता है. सो आर यू रेडी, शैल वी स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द टाइटल ऑफ दिस poem, वोकेशन. स्टूडेंट्स, वोकेशन मीन्स एनी वर्क दैट गिव्स अस अर्निंग मनी. वो वर्क जो हमें मनी अर्न करवाता है, दैट इज कॉल्ड वोकेशन. राइट नाउ आई एम गोइंग टू रीड फुल स्टैंजा. व्हेन द गॉन्ग साउंड्स 10 इन द मॉर्निंग एंड आई वॉक टू स्कूल बाय आवर लेन. जब घड़ी में 10 बजे का घंटा बजता है और मैं मेरे स्कूल के लिए वॉक करके अपनी लेन से, अपनी गली से जाता हूँ. Every day I meet the hawker crying bangles, crystal bangles. तो एवरी डे मैं किस हॉकर से मिलता हूँ, क्रिस्टल बैंगल वाले हॉकर से मिलता हूँ. और जो क्या क्राई कर रहा होता है, क्या चिल्ला रहा होता है, चूड़ी ले लो, कांच की चूड़ी ले लो. देयर इज नथिंग टू हरी हिम ऑन, देयर इज नो रोड ही मस्ट टेक. उसे किसी भी तरह की जल्दी नहीं होती और उसके लिए कोई भी पर्टिकुलर रोड नहीं होती कि उसको वही रोड लेनी है. उसका जहां मन करता है वो उस रोड पर चला जाता है, वो उस गली में चला जाता है. नो प्लेस ही मस्ट गो टू, उसके लिए कोई पर्टिकुलर स्पेशल जगह नहीं होती कि उसको वहीं तक जाना है. वो अपनी मर्जी से कहीं भी घूम सकता है. नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम होम, और उसके लिए कोई टाइम की लिमिटेशन, कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं है कि उसको इस टाइम तक घर पर आना है. आई विश आई वर अ हॉकर, मैं विश करता हूँ कि काश मैं एक हॉकर होता.
bright day in the road crying bangles, Mr. Bangles. और अपना पूरा दिन रोड पर निकाल देता क्या चिल्लाते हुए, चूड़ियां, कांच की चूड़ियां. Students, you must have seen, ऐसा बहुत बार होता है कि आप किसी भी रेडी वाले, फेरी वाले, ठेले वाले, शॉपकीपर को देखकर ऐसे सोचते हो कि काश मैं भी ऐसा ही होता. आपको ये लगता है कि उन लोगों को कोई हरी नहीं होती, कोई टेंशन नहीं होती, वो अपने मन मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं. ठीक है, लाइक दैट वो छोटा बच्चा भी उस क्रिस्टल बैंगल वाले को देख करके यही विश करता है कि काश मैं भी हॉकर होता और पूरे दिन रोड पर घूमता रहता, चिल्लाता रहता, बैंगल ले लो, क्रिस्टल बैंगल ले लो. Now let's move on next tenure. When at 4 in the afternoon I come back from the school. जब 4 o'clock होते हैं और मैं मेरे स्कूल से घर वापस आता हूँ. I can see through the gate of that house the gardener digging the ground. मैं उस घर में गेट में से ये देखता हूँ कि एक गार्डनर है जो क्या कर रहा है, ग्राउंड को डिग कर रहा है, खोद रहा है. He does what he likes with his spade. Spade, a digging tool. एक खोदने का टूल होता है. You can see in this picture, that is called spade. अब वो बच्चा कहता है कि ये गार्डनर अपने स्पैड से जो कुछ करना चाहता है वो अपनी इच्छा से कर सकता है. He soils his clothes with dust. वो अपने सारे कपड़ों पर डस्ट डाल लेता है. Nobody takes him to task. टेक्स हिम टू टास्क में पनिशमेंट देना, स्कोल्ड करना. उसको कोई भी डांटता नहीं है. इफ ही गेट्स बैक इन द सन और गेट्स वेट, अगर वो धूप में खड़ा होकर धूप सेकता रहे तब भी उसे कोई कुछ नहीं कहता, और अगर वो अपने कपड़े को गीला कर लेता है, खुद को वेट कर लेता है, तब भी उसे कोई भी स्कोल्ड नहीं करता, कोई उसे पनिशमेंट नहीं देता. आई विश आई वॉज अ गार्डनर डिगिंग अवे एट द गार्डन With nobody to stop him from digging. अब वो बच्चा कहता है कि काश मैं भी गार्डनर होता, मैं भी इस पैड से पूरे ग्राउंड को खोद लेता और कोई भी मुझे मना नहीं करता, कोई भी मुझे डिगिंग करने से रोकता नहीं. Now move on to page number 83. Just as it gets dark in the evening and my mother sends me to bed. अब जब शाम को अंधेरा हो गया है और मेरी मम्मा ने मुझे बेड पर सोने के लिए भेज दिया है, अब मैं मेरी ओपन विंडो से क्या देखता हूँ कि जो वॉचमैन है वो कभी इधर आ रहा है, कभी उधर जा रहा है, राउंड लगा रहा है. द लेन इज डार्क एंड लोनली एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड लाइक अ जायंट विद वन रेड आई इन इट्स हैंड. अब वो बच्चा क्या देखता है कि पूरी गली में अंधेरा हो रखा है, कोई भी नहीं है, स्ट्रीट लैम्प है, वो कैसे लग रही है, एक जायंट की जैसे लग रही है, एक व्यक्ति की जैसे लग रही है, मॉन्स्टर की जैसे लग रही है, जिसके हेड के ऊपर एक रेड आई है. ठीक है, द वॉचमैन स्विंग्स हिज लैंटर्न एंड वॉक्स विद हिज शैडो एट हिज साइड एंड नेवर वंस गोस टू बेड इन हिज लाइफ. अब वो वॉचमैन अपनी लैंटर्न को स्विंग करता हुआ, ऐसे ऐसे घुमाता हुआ अपनी शैडो के साथ वॉक कर रहा है. एंड नेवर वंस गोस टू बेड इन हिज लाइफ. इट मींस स्पीकर को ये लगता है कि ये जो वॉचमैन है हमेशा जागा हुआ रहता है और अपनी लाइफ में ये एक सिंगल बार भी सोया नहीं है, ये कभी भी आज तक सोया नहीं है. ये किसको लग रहा है, स्पीकर को लग रहा है. एंड हु इज स्पीकर इन दिस फॉर, द लिटिल बॉय. आई विश आई वॉक अ वॉचमैन वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट चेजिंग द शेडो विद माई लैंटर्न. अब वो छोटा बच्चा क्या सोचता है कि काश मैं भी वॉचमैन होता, पूरी रात गली में अपनी लैंटर्न को घुमाते हुए घूमता रहता और कोई भी मुझे मना नहीं करता. स्विंग्स इस फॉर्म में वो छोटा बच्चा ये सोचता है कि जो लोग भी कोई भी वोकेशन करते हैं या बड़े हो जाते हैं उनको उनकी मम्मा स्कोल्ड नहीं करती, डांटती नहीं है, और जो छोटे बच्चे हैं उन्हें डांट खानी पड़ती है और पनिशमेंट मिलती है. सो इसीलिए वो जिस भी वोकेशन को देखता है वो उसी को ही अपना लेना चाहता है और वो वही बन जाने की विश करने लगता है. Now this poem has been completed. I hope you got it clearly. Now you are to do all the
exercises related to this poem by your own. And you are to draw this beautiful picture in your English reader note. Thank you.